करते हैं बात उत्तराखंड की। रानीखेत क्षेत्र के विधायक नेता प्रतिपक्ष बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने राजकीय आदर्श विद्यालय चिलिया नौला के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री करण महारा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय ताड़ीखेत में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं अजय भट्ट अपने संबोधन में सरकार की कामयाबी नाकामयाबी गिनाते रहे। कांग्रेस पर देशद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 14 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार की नाकामी, इसमें एक लंबी फेरिस्त है हमारे पास। ये सब असफलताओं के खिलाफ हम लोग 14 मार्च को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं ताकि सरकार आंखें खोले, सरकार जागे, सरकार चेते। तरफ चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, जिस तरह का कोहराम छाया है, कुहासा छाया है, इसमें एक ही उपाय है कि सरकार की तंद्रा को तोड़ा जाए, क्योंकि ये चुनावी साल है, बहुत कम समय रह गया है। सरकार अभी भी पूरी तरह से सोई है। नाटक, ड्रामा, ड्रम पीटना, इसके अलावा सरकार कुछ कर नहीं रही है। चुनावी मोड में आके 2017 में किसी तरह दोबारा काबिज होना चाहती है, जबकि जमीन पर घोषणाओं की ये हालात है कि 30-35 हजार की घोषणाओं में से 5% पर भी आज तक काम नहीं चला है। सरकार ने जो PWD के काम है उनके लिए कोई CCL आज तक जारी नहीं करी, पैसा तक नहीं।